राजधानी में हुई एक घंटे की बारिश ने निगम के दावों की पोल खोल के रख दी। इस वक्त मैं भोपाल टॉकीज के पुराने भोपाल के इलाके में, आप देख सकते हैं कि तस्वीरें जो है वो अपनी गवाही दे रही है किस तरीके से यहाँ जल भराव की स्थिति और लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जब शुरुआती बारिश के दौर में जब यह पानी भरा था उसके बाद महापौर खुद यहाँ पहुंची थी और निर्देश दिए थे कि तमाम जो आवश्यक इंतजाम है वो यहाँ किए जाएं ताकि इस तरह की जल भराव की स्थितियाँ ना हो। लेकिन देखिए जन महापौर के निरीक्षण के बाद भी तस्वीरें क्या है आप खुद देख सकते हैं कि भोपाल के स्टेशन के बाहर का इलाका है और यहाँ पर अक्सर इस तरह की जल भराव की स्थिति देखने को मिलती है। और एक बार फिर जब आज लगभग तकरीबन एक घंटे की जो बारिश हुई उसके बाद फिर से ये सड़कें जो है वो पूरी तरीके से जलमग्न नजर आ रही हैं और वाहन जो है इस पर रेंगते नजर आ रहे हैं। ट्रैफिक जाम की स्थिति भी यहाँ पर बन गई है। तो लगातार जो बारिश हो रही है उससे लोगों को खासी परेशानियों का सामना खासकर पुराने भोपाल के इलाके में करना पड़ रहा है। और न केवल पुराने भोपाल की बात बल्कि राजधानी भोपाल ये जो नया शहर है वहाँ भी देखने को आ रहा है कि तमाम जो सड़कें हैं वो जलमग्न हैं। निगम ने तमाम जो दावे और वादे किए थे कि किसी तरह के जल भराव की स्थिति नहीं होने दी जाएगी, लेकिन ये तस्वीरें अपनी गवाही दे रही हैं। कैमरामैन मोहसिन के साथ सैलेंसिंग न्यूज़ 18 भोपाल।